हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई। अगर आवाज थोड़ी सी डल लगे तो माफ कर देना यार। भाई कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है और इसी चक्कर में ये वीडियो भी 3-4 दिन लेट हो गई है, लेकिन चलो कोई नहीं, देर सही कम से कम आ तो गई। तो भाई पता नहीं मैं कितने दिनों से आपके ये कमेंट्स पढ़ रहा था कि भाई द डिक्टेटर मूवी पर वीडियो बना। भाई पहले तो तुम लोगों ने बड़े प्यार से बोला कि भाई बना दे भाई, प्लीज बना दे, और फिर तुम लोगों ने गाली गलौज करनी चालू करी कि तेरे से 10 बार बोल दिया समझ नहीं आ रही तेरे को, वीडियो बना रहे हैं सब्सक्राइब कर दे। और आपकी इतनी प्यार भरी गालियां सुन के मेरी आंखों से आंसू आने लग गए और मैंने सोचा कि अब अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई ना तो जनता मेरे को घर में घुस के मारेगी। तो भाई मैंने ये मूवी देखी द डिक्टेटर और ये रही आपकी ऑन डिमांड वीडियो। हमारे द्वारा ये आशा की जाएगी कि आपके द्वारा इस वीडियो को पसंद किया जाएगा। तो भाई देखो, अब मैं थोड़ा सा ज्ञान पेलने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो भाई देखो, अगर तुम इस वीडियो को देखने आए हो तो इसका मतलब तुम्हें इस वीडियो और इस मूवी दोनों में इंटरेस्ट है। तो भाई मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि भाई अगले 7-8 मिनट के लिए अपना रिलीजन, कास्ट, कलर और जेंडर सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ मजे लेने के पर्पस से इस वीडियो को देखो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पक्का पक्का और पक्का ये वाली वीडियो पसंद आएगी। तो समझ गए ना भाई, अगर समझ गए तो नीचे यस कमेंट कर देना, और अगर नहीं समझे तो भाई अपनी प्यार भरी गाली छोड़ जाना और क्या। तो चलो अब थोड़ी देर के लिए सब कुछ रखते हैं साइड पे और वीडियो को करते हैं शुरू। भाई ऐसा हो सकता है कि आपने मूवी ना देखी हो, या फिर एक बार के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस मूवी का नाम भी ना सुना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस मूवी का ये वाला सीन पहले कभी ना देखा हो ही नहीं सकता, असंभव है भाई, क्योंकि ये सीन इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत फेमस है। मैंने भी इस मूवी को अभी 2 दिन पहले ही देखा है, लेकिन इसका ये वाला सीन तो मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ। संकी और बेहिसाब पैसा होने के कारण हाल ही में उसने खुद ही ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया। जिसमें उसने 14 गोल्ड मेडल जीते। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं ये। जीत की खुशी में इस बंदे ने रेस खत्म होने से पहले पटाखे फोड़ने चालू कर दिए, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखो भाई की, और कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना कि अगर इरादे पक्के हो तो जीत खुद तुम्हारी तरफ आती है, आज उसका लाइव एग्जांपल भी देख लो। Good choice. इसको कहते हैं बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेरिंग। इस मूवी में सबसे मस्त लगा इस बंदे का मार दो वाला एक्शन। अच्छा एक काम करो, 1 सेकंड के लिए दिखावा करो कि मैं एक इडियट हूं, ठीक है चलेगा। ओके चलो एक काम करते हैं, सहमत हो जाते हैं सहमति पर, ठीक है। ओके क्या, क्यों नहीं, क्या आपको याद नहीं? बेशक मुझे याद है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी याददाश्त पर सवाल करने की, मुझे सब याद है। ओ नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं, वेल डन मेरे दोस्त। क्यों, रुको रुको, कहां जा, किसी को नहीं छोड़ा भाई, रुको जरा, संभल करो। आपका स्वागत है डेथ टू अलादीन रेस्टोरेंट में, लगता है मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, यहाँ पहले मिले। सुप्रीम कोई बात नहीं, 50% दोष मेरा ही है। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं देखा, मुझे चलना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तुम रख लो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भाई अगला सीन मुझे पूरी मूवी में सबसे मस्त लगा। आइए यहाँ बैठिए, आपका नाम क्या है? एलिसन बॉर्गर्स। ये तो बनावटी नाम है, असली नाम क्या है तुम्हारा? लदीस। लदीस क्या? लदीस वॉश हर रूम। तो तुम्हारा नाम ये साइन की तरह है, लेडीज वॉशरूम। ओह, ये तो बनावटी नाम है, तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं जानना चाहता हूं, हम सब जानना चाहते हैं। एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्या? एम्प्लॉइज मस्ट वॉश हैंड्स। ये भी एक बनावटी नाम है,
ओके, बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है? मैक्स। मैक्स क्या? इमोम ऑक्यूपेंसी 120। तुम्हारे नाम में एक नंबर है। बताओ तुम कौन हो? अलादीन के चमचे? नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, सुनो बात, मेरी बात। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेगन मेगन, अब तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला। मेगन, तुम पर चिल्लर फेंकने को मन करता है। तुम सुपर हॉट थे। क्या मेरा जेट तैयार है? क्या तुम रात को यहीं पर नहीं रुक सकती? मैं सोचा था हम अब जब पिपा के सोएंगे। नहीं, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, कल मुझे इटालियन प्राइम मिनिस्टर से मिलना है। ठीक है, मरूश दीदी का थैला लाओ। थैंक्स। इसमें वो सब कुछ है जिसकी तुम्हारे मैनेजर ने मांग की थी। केटी पेरी को तो डायमंड रोलेक्स मिली थी। वो इसलिए कि उसने मुझे अपने चेहरे पर अलादीन करने दिया। ठीक है, okay। क्या तुम पक्का अप्पी जप्पी के लिए नहीं रुकना चाहती? नहीं, पर मुझे किसी को अप्पी जप्पी करनी है। शौक देख रहे हो महाराज के? निकलो, बाहर निकलो। हे एलिसन, क्या तुम कचरा बाहर फेंकाओगे? थैंक्स। भाई मूवी सिर्फ 1.5 घंटे की है, लेकिन पूरे 1.5 घंटे में आपके मुंह से हंसी गायब नहीं होगी। तो भाई यहाँ पे होने वाली है वीडियो एंड। वीडियो के किसी भी पार्ट को दिल पे मत लेना, सिर्फ मजे लेने के लिए वीडियो बनाई थी, बस देखो और मजे लो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी मस्त सी आवाज के लिए एक मस्त सा कमेंट छोड़ के जाना। एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।